क्योंकि हमने जो रूम हीटर का इस्तेमाल करना है वो कमरे में रोशनी करने के लिए नहीं करना है, वो हमें कमरे को गर्म करने के लिए करना है। मैं दो तरह के रूम हीटर बताता हूं, एक तो वह हीटर जो हम इंडिया में इस्तेमाल करते हैं और एक वह हीटर जो जनरली यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल होता है। हियर व्हाट वी यूज इज अ स्पायरल कॉइल, और वहां पर वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं दे हीट ऑयल, वो ऑयल को गर्म करते हैं एंड दैट ऑयल रेडिएट हीट। वहां पर कोई लाइट तो रेडिएट होती ही नहीं है, वहां पर पूरी तरह से जो भी एनर्जी रेडिएट होती है वो हीट के ही फॉर्म में होती है। और रूम हीटर वेल से एफिशिएंसी शुड बी डिफाइंड एज एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट upon the energy input in 200. This would be the efficiency. I simply mean to say that efficiency of machine define करते समय आप सबसे पहले तो यह सोचते हो कि इस मशीन की उपयोगिता क्या है और उस उपयोगिता में यह कितनी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है और कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ मशीन। नाउ आफ्टर कंसेप्चुअलाइजिंग पावर द अनदर फॉर्म ऑफ दैट आई विल इंट्रोड्यूस एंड एक्सप्लेन इज द कंसेप्ट ऑफ potential energy. Now, it's the energy possessed by body due to its position or due to its shape or size. Its energy possessed by the body due to its position, shape or size. Position, shape or size. अब जैसे this chalk in my hand, इट्स एलिवेटेड फ्रॉम दिस फ्लोर, इस फ्लोर से किसी ऊंचाई पर है। इट्स एट सम हाइट फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल से यदि मैं मेजर करूं तो कुछ हाइट पर है। ड्यू टू इट्स पोजीशन दिस चॉक पजेस सम एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय दिस चॉक ड्यू टू इट्स पोजीशन वी कॉल इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस चॉक के पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह से दिस स्पंज, इस स्पंज का यह शेप है, मैं इसे इस तरह से दबाता हूं और इसे इस तरह से कंप्रेस कर देता हूं। नाउ इन ऑर्डर टू डू दिस I had applied some force, मैंने इस हाथ से भी और इस हाथ से भी दोनों तरफ से ऐसे फोर्स अप्लाई करा, इसके सभी पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करा और डिस्प्लेस करके इसमें कुछ वर्क करा, और जो भी कुछ मैंने इसमें वर्क करा that got stored into it, and that got stored into it in the form of some energy. We call it potential energy due to its shape. इसके shape की वजह से इसके पास एक energy stored हो गई, and that is potential energy due to shape. मैं कोई spring लेता हूं, उस spring को खींचता हूं, मैं उसकी साइज को, उसकी ज्योमेट्री को डिफॉर्म कर रहा हूं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ज्योमेट्री और इट्स साइज. हम कहते हैं बॉडीज के पास उनकी पोजीशन की वजह से, उनके शेप की वजह से, उनके साइज की वजह से कुछ एनर्जी होती है, एंड दैट एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स शेप, साइज और ज्योमेट्री, वी कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी. इसी पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए दिस इज अ पार्टिकल lying on the floor. Now this particle is raised slowly up to height h. इस पार्टिकल को h हाइट तक हम धीरे धीरे ऊपर उठा देते हैं. नाउ हम इसको कैसे उठाएंगे? एट एनी पॉइंट अर्थ, ड्यू टू अर्थ देयर इज अ फोर्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मुझे कुछ फोर्स F लगाना होगा. दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg. टू रेस दिस पार्टिकल स्लोली विदाउट एक्सीलरेटिंग. पार्टिकल इज रेस्ड स्लोली विदाउट एक्सीलरेटिंग. पार्टिकल इज raised slowly without accelerating it. Now why this condition? Can you think of? मैं इस condition को क्यों रख रहा हूं? क्यों इस पार्टिकल को धीरे धीरे slowly ऊपर उठा रहा हूं और कोई accelerate नहीं कर रहा हूं? Because if the particle is accelerated, its velocity would increase. And if its velocity increases, its kinetic energy would increase. In that case, whatever work we are doing, a fraction of that work would be added into the body in the form of its kinetic energy. मैं kinetic energy already समझ लिया हूँ, kinetic energy का expression already note भी कर लिया हूँ. मैं अब kinetic energy नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं अब समझाना चाहता हूँ potential energy, gravitational potential energy. तो मैं जो भी कुछ वर्क करूंगा उस वर्क को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करना चाहता, और यदि मुझे कोई एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो मुझे उसको बिल्कुल भी एक्सीलरेट नहीं होने देना चाहिए, मुझे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होने देना चाहिए, उसको धीरे धीरे उठाना चाहिए. इसलिए मैं फोर्स इक्वल टू mg रखूंगा. अब मैं कहता हूं वॉट एवर वर्क इज बीइंग डन दैट gets converted into its potential energy. By work energy theorem, work is change in energy. Now, what is work? It's F dot S, and change in potential energy is final potential energy minus initial potential energy. This is the change in energy. F dot S को मैं लिखूंगा mod F mod S into cos of theta. This is final potential energy minus initial potential energy. Now mod F is mg. This is the magnitude of F. And what is displacement? Now force F is in upward direction, and displacement of particles also in upward direction. They are collinear, and the magnitude of displacement is height h, and into cos 0 degree. And this is final potential energy minus initial potential energy. हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी. ये रेफरेंस बेस्ड एनर्जी होती है. इफ आई से दैट दिस इज द रेफरेंस, दिस फ्लोर इज द रेफरेंस, हमें एक रेफरेंस डिफाइन करना होता है और उस रेफरेंस पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो असाइन कर देते हैं. हम कहते हैं इस फ्लोर पर यदि पार्टिकल रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 कह दी जाए. इनिशियली यह पार्टिकल इसी फ्लोर पर है. इनिशियली इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 कहेंगे. दैट इज अ रेफरेंस. एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mgh into plus 1. दैट इज mgh. We used to say gravitational potential energy is mgh. Now this expression is used only for a small height. H is the small height from द रेफरेंस. जो भी हमने रेफरेंस बनाया है उस रेफरेंस से स्मॉल हाइट. मैं स्मॉल हाइट वर्ड को एम्फसिस करता हूं. क्यों कहता हूं मैं भी समझाता हूं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. मैं स्मॉल हाइट को कह रहा हूं, फिर समझाता हूं. वी हैड एज्यूम्ड दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज अ कांस्टेंट. हमने फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, mg को कांस्टेंट मान लिया. क्या वाकई में g कांस्टेंट होता है? अभी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है. आगे हम 11th क्लास में ही आगे के चैप्टर्स में ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एट अर्थ ओवर स्मॉल हाइट. अर्थ सरफेस पर स्मॉल हाइट के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बी एज्यूम्ड कांस्टेंट. बट इफ वी गो ओवर लार्ज हाइट, हम कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर यदि चले जाए, 20, 25, 30 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जितनी ऊंचाई तक चले जाए, तो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रह जाती है, वह वेरी होती है. 1000-2000 किलोमीटर ऊंचाई पर वो काफी तेजी से वेरी होने लगती है. 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत कम हो जाती है. और यदि आप 25-30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विथ हाइट. ओवर लार्ज हाइट देयर इज अ सब्सटेंशियल और अप्रिशिएबल वेरिएशन. बट ओवर स्मॉल हाइट देयर इज नो सब्सटेंशियल और अप्रिशिएबल वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Over a small height, acceleration due to gravity may be taken as a constant. and over a small height, gravitational potential energy can be expressed as mgh. अब इधर मैं एक बात और बताता हूं. Although we used to say that mgh is potential energy of this particle, is that statement true? No, never. ये जो gravitational potential energy है, it's potential energy due to the gravitational pull of Earth. ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. सो दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट्स नॉट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टिकल, इट्स नॉट पजेस्ड बाय दिस पार्टिकल. इन फैक्ट दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज पजेस्ड बाय अर्थ एंड पार्टिकल एज अ सिंगल सिस्टम. हम कहते हैं यह अर्थ है और यह पार्टिकल है. इन दोनों पार्टिकल की, इन दोनों बॉडीज की, अर्थ और पार्टिकल, इन दोनों की यह जॉइंट प्रॉपर्टी होती है. दिस इज अ पार्टिकल. आई वुड से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ एंड दिस पार्टिकल. इट्स नॉट ओन्ड बाय दिस पार्टिकल. ये पार्टिकल ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास इतनी एनर्जी है, मैं इस एनर्जी का मालिक हूं, ऐसा नहीं कह सकता. इट्स जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ एंड दिस पार्टिकल. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू बी नोटेड डाउन. इसमें काफी अधिक कंफ्यूज करा जाता है. नाउ अब एक और बात. दिस इज अ पार्टिकल, दिस इज फ्लोर, दिस इज रोड लेवल, एंड दिस इज sea level. Now try to understand. Let us say this is second floor. हम दूसरे माले पर बैठे हैं, second floor पर बैठे हैं, और second floor से इस particle की ऊंचाई h1 है. ये तो सेकेंड फ्लोर से हुआ, फ्लोर लेवल से हुआ. अब रोड लेवल से, तो हम सेकेंड फ्लोर पर हैं, दो माला ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, रोड लेवल से इस पार्टिकल की ऊंचाई कुछ और होगी, एंड दैट इज h2. वंस अगेन राइट नाउ वी आर सिटिंग इन इंदौर. इंदौर में जो रोड लेवल है वो सी लेवल से कुछ ऊंचा है, लगभग 600 फीट. सी लेवल, दिस इज सी लेवल. सी लेवल से यह पार्टिकल हाइट h3 पर है. नाउ वी यूज टू से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस बेस्ड एनर्जी. हम प्रॉब्लम को करते समय रेफरेंस चाहे तो इस फ्लोर को भी बना सकते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय रेफरेंस चाहे तो इस रोड लेवल को भी बना सकते हैं, और हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय चाहे तो रेफरेंस या सी लेवल को भी बना सकते हैं. हम कहते हैं ग्रेविटेशनल potential energy with respect to floor. Potential energy with respect to floor means if floor is a reference, ये floor reference है, इस floor पर particle की potential energy को यदि हम 0 कह दे, इस फ्लोर पर यदि वहां रखा होता तो पोटेंशियल इज जीरो विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोर, potential energy would be written as mgh1, while with respect to road level, potential energy with respect to road level is mgh2. जब हम रोड से हाइट देखेंगे उसकी, और यदि हम सी लेवल को रेफरेंस बना दें, सी लेवल को रेफरेंस बना देना मतलब सी लेवल पर जो भी पार्टिकल है हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन कर दिया. इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेम पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सी लेवल इज mgh3. मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते समय हमें सबसे पहले उसका रेफरेंस डिफाइन करना है कि हमने रेफरेंस किसे बनाया है. उस रेफरेंस पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन करना है और फिर देखना है कि वह पार्टिकल उस रेफरेंस से कितना ऊंचाई पर है. उस हाइट को देख लेना है एंड देन mg into h, दैट इज द gravitational potential energy with respect to that reference. Now, we used to say a spring . Now this is a very important, a very interesting machine used in mechanics. Mechanics में कई जगह पर यह इस्तेमाल होती है. मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस बताता हूँ. आपकी कारों में, आपके व्हीकल्स में शॉक एब्जॉर्बर्स, दे आर द स्प्रिंग. हर जगह पर वेइंग मशीन में स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है. और ये जो स्प्रिंग है, इट मे बी कंप्रेस्ड, इट मे बी एलोंगेटेड. इस तरह की किसी मेटल की इस तरह से स्पाइरली वूंडेड यह स्प्रिंग होती. यदि इस स्प्रिंग पर आपने किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ है और इस स्प्रिंग की लेंथ L है, नाउ दिस इज टर्म्ड एज स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ. इसे हम कहते हैं स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ. और यदि हम इस स्प्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींचने लगे इस तरीके से, हमने स्प्रिंग के इस एंड को खींचा, कुछ फोर्स लगाया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों तरफ से मैंने इस स्प्रिंग को इस तरह से पकड़ के खींचा. नेचुरली जब इस पर कोई फोर्स नहीं था, यह स्प्रिंग बिल्कुल फ्री थी, इसकी लेंथ L थी. इस तरह से फोर्स लगाने से अब इसकी लेंथ इधर से इधर तक हमें दिखने लगी L+X. नाउ दिस इज टर्म्ड एज एलोंगेटेड स्प्रिंग. elongated spring. यह elongated spring. And here we used to say the elongation is x. इसमें जो elongation है elongation is equal to x. यह स्प्रिंग x से elongate हो गई है, इसकी लेंथ बढ़ गई है. नेचुरली इसकी लेंथ l थी, मगर इस तरह से खींच लेने से इसकी x से लेंथ बढ़ गई और l plus x हो गई. सच टाइप ऑफ फोर्स दोनों तरफ से जो इस तरह से फोर्स लगाया हुआ है, दिस इज टर्म्ड एज elongative force. Here forces are elongative force. इधर जो फोर्स हमें दिख रहा है उसे हम elongative फोर्स कहते हैं. अब इसी स्प्रिंग को यदि हम दोनों तरफ से ऐसे दबाएंगे, फोर्स इस तरह से लगाएंगे, अब क्या स्थिति बनेगी जरा देखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. मैं इन्हें काउंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि स्प्रिंग को एलोंगेट या कंप्रेस, अब जो मैं कर रहा हूं वो कंप्रेस करना चाह रहा हूं. एलोंगेट या कंप्रेस करते समय उसके नंबर ऑफ टर्न्स में कोई फर्क नहीं आता है, नंबर ऑफ टर्न्स उतने के उतने रहते हैं. इधर मैंने ओरिजिनली स्प्रिंग में 8 टर्न्स दिए हैं. एलोंगेट करेंगे तब भी उसमें 8 टर्न्स ही दिखेंगे और कंप्रेस करेंगे तब भी उसमें 8 टर्न्स ही दिखेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए मैंने ड्रॉ करते समय बड़े सावधानी से नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करें. अब इधर लेंथ हो गई l माइनस एक्स, और इस तरह से इसको कंप्रेस करने के लिए इधर से भी फोर्स इस तरह से लगाया गया, इधर से भी फोर्स इस तरह से लगाया गया. नाउ दिस इज टर्म्ड एज कंप्रेस्ड स्प्रिंग. दिस इज टर्म्ड एज कंप्रेस्ड स्प्रिंग. And here compression is x. हम compression कहते हैं, compression इधर x हो गया, वो x से छोटी हो गई है. और इस तरह से स्प्रिंग के दोनों तरफ इस तरह से यदि हमने उसको दबा रखा है, such force is termed as compressive force. Here the force is compressive force. Forces are compressive forces. अब स्प्रिंग की एक खास बात मैं बताता हूं. यह एक स्पेशल मशीन है और इस स्पेशल मशीन में एक खास बात है. We may do elongation, we may do compression, there may be compressive force, there may be elongative force. The force on the two sides of spring are always equal and opposite. स्प्रिंग के दोनों तरफ जो आपको फोर्स दिख रहे हैं, elongative force होएगा तब भी वह equal opposite होएगा, compressive force होएगा तब भी वह equal opposite होएगा. सिर्फ स्प्रिंग को यदि हम देखेंगे तो इस तरफ elongative force इस डायरेक्शन में, इस तरफ elongative force इस डायरेक्शन में, इस तरफ compressive force इस डायरेक्शन में, इस तरफ compressive force is direction. Force on the two ends of spring are always equal and opposite. And एक और बात, we always assume massless spring. We always assume मासलेस स्प्रिंग. हम हमेशा स्प्रिंग को मासलेस ही अज्यूम करेंगे IIT JEE के सिलेबस में, हमारे सिलेबस में मासलेस स्प्रिंग ही है। वी वुड नेवर कम अक्रॉस मासफुल स्प्रिंग्स। मासफुल स्प्रिंग्स के बारे में तो हम सिर्फ तभी पढ़ेंगे जब हम इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाएंगे और इंजीनियरिंग पढ़ने लगेंगे। इंजीनियरिंग कोर्सेस में स्प्रिंग के मास को अकाउंट करा जाता है, इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले स्प्रिंग के मास को कभी भी अकाउंट नहीं करा जाता है। स्प्रिंग के मास को जीरो कह दिया जाता है, मासलेस स्प्रिंग मान लिया जाता है। For such massless spring, forces are always equal and opposite. Forces on the two ends of massless spring are always equal and opposite. They may be compressive, they may be elongative. और एक खास बात, this force is always directly proportional to x. X may be elongation, X may be compression. आप जितना अधिक फोर्स, elongative फोर्स लगाओगे, स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा elongate होती जाएगी। आपको ज्यादा elongation करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे, स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा कंप्रेस होती जाएगी। यदि आपको ज्यादा कंप्रेस करना है तो ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगाना होगा, दोनों ही एंड। We used to say हम proportionality sign को हटा सकते हैं, इसकी जगह पर हम एक equality sign और एक constant लगा सकते हैं और हम लिख सकते हैं force is equal to kx. Here this k is a term dash, k is a स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट फॉर एनी स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग के लिए ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कैसे बनाई गई है इस बात पर डिपेंड करता है। It depends on material of spring. It depends on length of spring. It depends on the cross section area of spring. अलग अलग स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। बट फॉर एनी स्प्रिंग, फॉर अ फिक्स्ड स्प्रिंग, the value of spring constant would be always a fixed value. किसी भी एक स्प्रिंग की बात करें तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू होगी, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग। दिस स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन इन न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर सेंटीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के इट्स जनरली गिवन इन, इसकी जो यूनिट देखेंगे न्यूटन पर मीटर जैसा यूनिट, एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, वाइल सीजीएस यूनिट वुड बी डाइंस पर सेंटीमीटर। रियली यूज होता है मगर कई बार प्रॉब्लम्स में न्यूटन पर सेंटीमीटर भी दे दिया जाता है, वहां पर फिर आपको कन्वर्ट करना होगा। नाउ Can you write the dimension formula for spring constant? क्या इसी समय spring constant का dimension formula लिख देंगे? It's F upon X. F का है mLT⁻⁻⁻², और X का होगा L. So dimension formula for spring constant K is m × L⁻⁻⁻⁻². This is dimension formula for spring constant K. Now, जो मुझे खास समझाना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन इट्स एलोंगेटेड और व्हेन इट्स कंप्रेस्ड। एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और एलोंगेटेड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में समझाना चाहता हूं, दैट इज माय नेक्स्ट आर्टिकल।